मैं नहाया नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, लाइक 4-5 दिन से नहीं नहाया हूँ। अटैचमेंट हो गई है इसको कि इसकी जान बचा ली है। या ये तमिल या हिंदी इंग्लिश। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई आज हम अपना व्लॉग जो है उसी भारत पेट्रोलियम से कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि मैं रामेश्वरम जाने वाला हूँ, उससे पहले तंजावुर जाने वाला हूँ। ये रहा अपना पूरा सामान, इसको समेटते हैं। टाइम देखो कितना हो गया, 7:07 हो गए। मैं सोच रहा था कि 6 बजे अपनी राइड स्टार्ट कर दूँगा, बट इतनी गहरी नींद आई थी भाई ना, मज़ा ही आ गया था। ये फ़ैन था चल रहा था, मज़ा आ गया भाई सो करके। और हाँ यार, एक और बैड न्यूज़, नहाने का मैंने देखा थोड़ा सा गड़बड़ है, नहा नहीं सकता मैं। और वेदर भी ऐसा हो गया है कि अगर नहा लिया ना तो मेरे कपड़े सूखेंगे नहीं, अगर कुछ गीला भी हो गया। रात भर बारिश हुई है, गजब बारिश हुई है। आज की भी प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी, लाइट रेन होगी मे भी, या फिर ओवरकास्ट। ओवरकास्ट है तो भाई कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है। तो ये सारा सामान सब लपेटते हैं। और पावर बैंक तो ऑलमोस्ट चार्ज हो गया, फुल नहीं है बट हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से, अब हम जाने वाले हैं तंजावुर, फिर उसके बाद हम रामेश्वरम चलेंगे। देखो भुलक्कड़, देखो अपना जो मेन बैग है उसको तो मैं यहीं छोड़ रहा था भाई, देख रहे हो। मुझे लगा ना कि मेरी पीठ कैसे खाली हो गई। ओके थैंक यू भैया। ये देख लो भाई वेदर, देखो देख रहे हो ना कितना वेटी वेदर है, पूरा दूर दूर तक तो गीला गीला गीला। टाइम 7:30 हो गया भाई, 1.5 घंटे लेट हूँ मैं। अब ये 1.5 घंटे मुझे कवर करना है फटाफट। सो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जहाँ पे रुका था वहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर था, और अभी 13 या 15 किलोमीटर होगा। और आज की जो हमारी राइड है वो 240 किलोमीटर की है। सो भाई हम रामेश्वरम जाने के बाद फिर धनुषकोडी जाएंगे, और धनुषकोडी के बारे में मैंने पिछले या पिछले से पिछले व्लॉग में बताया है। धनुषकोडी इंडिया मैप में आप देखोगे तो वो लास्ट लैंड है, इंडिया की लास्ट लैंड। उसके बाद फिर पूरा समुद्र स्टार्ट हो जाता है। सो वहाँ पे जाएंगे, बीच में से रोड जा रही है, दोनों साइड ओशियन मिल रहा होगा। सो काफ़ी अमेजिंग लगने वाला है। बाकी बस वेदर अपने फेवर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है यार, क्योंकि आज का फोरकास्ट मैंने देखा है, जगह जगह बारिश दिखा रहा है। और ये व्लॉग एज यूजुअल बिल्कुल रॉ रहने वाला है, नो स्क्रिप्टेड, नो हवाबाजी, नो शो ऑफ। जो होगा सब रॉ होगा, सब एक तरीके से आपको लाइव ही दिखेगा। मतलब मैं कुछ भी ऐसा प्लान्ड नहीं करता। सो जो भी चीज़ें होगी वो एज इट इज़ होगी, जैसे हुई थी, ना कि उसको क्रिएट किया गया है। बारिश तो मस्त हुई है भाई, मस्त बारिश हुई है। ग्रीनरी तो और ज़्यादा खिल के निकल रही है, बट वेट इतना ज़्यादा हो गया है ना, तो अब स्कूटी को भी बहुत संभाल के चलाना पड़ रहा है भाई। वेदर ऐसा ठंडा हो गया है ना कि अब नहाने वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैं नहाया नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, लाइक 4-5 दिन से नहीं नहाया हूँ। अबे यार इधर आया तो इन लोग, ये लोग जो बजा रहे थे वही बंद कर दिया। सोचा आपको कुछ सुना देता हूँ सुबह सुबह। अभी हम जा रहे हैं बिग टेम्पल, 180 फीट का ये टेम्पल है भाई। यहाँ की जो बस है ना उसका हॉर्न ही बिल्कुल अलग है भाई, बिल्कुल जैसे फटा हुआ बांस होता है ना। अजीब सी आवाज़ निकल रही होती है, वैसा ही है भाई। टूरिस्ट कन्याकुमारी टोका ना 10 रुपीज़। Is it safe ना लगेज? हाँ यार, एक गधा था साला, वो लगेज रखा हुआ है पार्किंग में तो उसका पैसा ले रहा है, कह रहा है 25 रुपीज़। और एक भाई खड़े थे, वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, पैसे नहीं है, पैसे नहीं चाहिए, 10 रुपीज़ सिर्फ पार्किंग का। बाकी ये देख लो भाई, ये रहा इसका फ्रंट गेट, एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम एंट्री लेने वाले हैं। बहुत ह्यूज गेट है भाई। ये देखो भाई, ये सारे गॉड गॉडेस उनकी कार्विंग जो कर रखी है, यहाँ से काफ़ी क्लियर दिख रहा है। सो ये भाई बृहदेश्वरा टेम्पल का मैप, ये देख लो आप। और इस पर नंबरिंग की है, जो नंबरिंग किया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से नंबर पे क्या चीज़ है, 1 से लेके 15 तक सारी चीज़ें मेंशन है। सो यहाँ पे मोस्टली आपको फॉरेनर्स दिख जाएंगे यहाँ पे आप आओगे तो। ये हम आए हुए हैं अपना लगेज रखने और शूज़ वगैरह निकालने, क्योंकि टेम्पल है तो अंदर शूज़ पहन के नहीं जा सकते। ये भाई इसमें डालते हैं, डाल के अब इनको दे देता हूँ। दिस थिंग आई कैन गो विद इनसाइड टेम्पल। ओके नंबर 5 बैग का भी पूछते हैं अभी तो सिर्फ हाँ ओनली वन शूज वेट सर कैन आई गो इनसाइड द टेम्पल विद माय बैग एंड हेलमेट नो इफ आई वांट टू गो इनसाइड सो आई कैन ओके थैंक यू तंबी ओनली शूज 3 in which class do you study 7th nice okay तंबी thank you ये लिए टिकट 3 रुपए सिर्फ शूज़ का। सो ये है भाई टेम्पल का सेकंड एंट्रेंस जहाँ पे आपको चप्पल उतार के अंदर जाना होता है। ये है एंट्रेंस गेट और यहाँ से ठीक सामने आप आओगे तो ये नंदी जी आपको दिखेंगे और इनके ठीक सामने 100% शिवलिंग होगा। और ये है अंदर का व्यू। सारे लोग मेरे राइडिंग गियर्स देख रहे हैं, काफ़ी कूल लगता है ना भाई ये राइडिंग गियर्स, तो उनको भी लग रहा है कि भाई क्या ही चीज़ है ये। ये देख लो ये 360। अब एक एक करके सारे टेंपल को देखते हैं। सो गाइस मैं अभी हूँ तंजावुर के बिग टेंपल में, जिसको कि बृहदेश्वर टेंपल के नाम से भी जानते हैं। ये रहा मेरे ठीक पीछे बृहदेश्वर टेंपल या फिर बिग टेंपल बोल सकते हो। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये टेंपल 1000 साल से पुराना टेंपल है। यहाँ पे आपको चोला डायनेस्टी की जो भी लिपि हैं और जो उनका आर्किटेक्चर है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, सारी चोला डायनेस्टी की है। सो यहाँ पर कोई टिकट नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो, काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलो भाई फाइनली हम बाहर जा रहे हैं। ये देख लो ये लास्ट व्यू बाहर का। और क्राउड देखो आज सैटरडे और क्राउड बहुत ज़्यादा है। सो ये था कुछ हिस्ट्री और ये था कुछ व्यू। काफ़ी कुछ है भाई घूमने के लिए। आप अंदर आओगे ना कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे बड़े आराम से लग जाएंगे। और अभी बूंदे पड़ी है भाई मेरे ऊपर, बारिश हो गई ना गंदा वाला कड़े आएगा है ना। इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल फॉर स्कूटी ओनली दिस वन 10W30 फुली सिंथेटिक नो नो इट्स HT टेक आई नीड अच्छा इट्स अ प्रीमियम ऑयल आई नीड फुली सिंथेटिक नो ओके डू यू हैव गियर ऑयल कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल और हाँ How much? 7. Amount? Yeah, amount. 70. 70? Give me 2. No. This one 2. So भाई विडॉल का ले लिया है गेयर ऑयल और 70 रुपीज़ का दिया है, बिल्कुल रेट जेन्युइन लगाया है। 75 MRP थी। अब बस मेरे को इंजन ऑयल लेना है भाई, अदरवाइज़ आगे जाके बैंड बज जाएगी। उनके पास मिनरल ऑयल था, प्रीमियम मिनरल ऑयल, और मुझे फुली सिंथेटिक चाहिए। पीछे एक और शॉप थी, देख लेता हूँ उनके पास फुली सिंथेटिक ऑयल है या नहीं। मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा भाई। भाई मुझे तो पूरी फीलिंग आती है फॉरेनर वाली। अब क्योंकि मैं गांव में हूँ ना तो यहाँ पे बहुत रेयरली किसी को इंग्लिश आती है और मुझे तमिल नहीं आती। मैं जैसे तैसे करके समझाने की कोशिश करता हूँ बट फिर भी नहीं समझते, तो अब इंग्लिश ही बोलना पड़ता है। सो भाई मेरी जो पूरी राइड है, जो मैंने रूट सेलेक्ट किया है, सो इस पूरे रूट में 11 स्टेट कवर होंगे और 10,500 या 11,000 किलोमीटर मेरा कवर होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप भी ऐसे किसी लंबी राइड पे निकलते हो और स्पेशली किसी रिमोट एरिया की तरफ आप जाना चाहते हो, तो ध्यान रहे आप फुली सिंथेटिक ऑयल लेके आना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम ऑयल मिलेगा। और हो सकता है अगर आप कैस्ट्रॉल का ऑयल डलवाते हो तो कैस्ट्रॉल का ऑयल ना मिले, स्पेशली स्कूटर के लिए। बाइक का तो कई जगह कैस्ट्रॉल ऑयल मिल रहा था बट सिंथेटिक टेक्नोलॉजी था, फुली सिंथेटिक किसी के पास भी नहीं है, कोई भी नहीं रखता भाई। भाई ये हेलमेट में घुस गई थी, इसको निकाला है, अब ये इसको उड़ा रहा हूँ, जा ही नहीं रही है, अटैचमेंट हो गई है इसको कि इसकी जान बचा ली है। जा मेरी माँ जा, या तो ट्रॉमा में चली गई है कि ये क्या हो गया। शायद इसके विंग्स थोड़े डैमेज हो गए लग रहा है। चलो जाओ जाओ। चलो यार इसको फिर ना इसी पे इसको बिठा लेते हैं। चलो फाइनली फाइनली बेचारी मुझे लगा हेलमेट में दबके मर गई। या ये तमिल या हिंदी इंग्लिश ओके भाई बाल उड़ जाते हैं अभी तो। उनको एक शब्द हिंदी का नहीं पता था, मुझे तमिल का एक शब्द नहीं, मतलब इतना भी नहीं कि हम थोड़ी सी कुछ बात भी कर पाए। फुली सिंथेटिक तमिल इल्ले ना तमिल इल्ले इंग्लिश और हिंदी कनेक्शन ना कनेक्शन। This one okay. 10W40. This is not for scooter. Scooter. This one bike also. Both are different. You can see Honda only. Castrol 10W. I think they don't provide a fully synthetic. I think. But they provide. Synthetic we don't have right now. You don't have. We don't have. Okay. Thank you Anna. Okay. So भाई मैं अभी उसी हाईवे पे खड़ा हूँ SH 200। ये जो नट है इसका खोल करके गेयर ऑयल चेंज करूँगा। ये लिया था गेयर ऑयल विडोल का, वैसे तो मैं कैस्ट्रॉल का डलाता हूँ बट नहीं मिला तो ठीक है। ये अभी गेयर ऑयल निकला है और देखो मतलब कितना काला हो गया है भाई। 5000 किलोमीटर चलने के बाद जा कर के मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गेयर ऑयल नहीं मिल रहा था, ये मिला है अब जाके। विडोल आज ही मिला है तो मैंने कहा पहले सबसे पहले गेयर ऑयल चेक करता हूँ। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, नीचे से ऑयल निकालते हैं और यहाँ ऊपर वाले में ऑयल डालते हैं। पूरा अच्छे से बेटा चूस लिया है, पूरा अंदर से देख रहे हो, पूरा डाल दिया है। चलो भाई ये काम तो हो गया। चाकू वगैरह रखते हैं। यार देख रहे हो बैग को भी अभी फटना था, अब बहुत संभाल के चलाना होगा, नहीं गलती से बैग फट वट गया कुछ हो गया ना भाई, धड़ाधड़ सारा लैपटॉप सब गिर जाएगा। सो भाई अभी पीछे 4 राइडर मुझे मिले थे, लाइक ऐसा बातचीत तो नहीं हुआ बट हाँ लाइक मुझे ओवरटेक करके गए, सो थम्स अप दिया। और अभी साइड में लाइक रेस्ट कर रहे थे एक बस स्टॉप पे, सो क्लैप करना और चीयर अप करना वो सारी चीजें कर रहे थे, तो काफी अच्छा लग रहा था भाई। यही सारी चीजें थोड़ा सा ना बूस्ट करती है कि अभी इसको कंटिन्यू रखो और करना है अभी कुछ और। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो ये जो 4 बंदे थे ये लोग कर्नाटका से थे, गाड़ियाँ इनकी कर्नाटका की थी। सो भाई अभी 4 बज रहे हैं और हम ठीक 1 घंटे में रामेश्वरम पहुँच जाएंगे। बाकी देख लो भाई स्पीड तो बिल्कुल खींच के चला रहा हूँ क्योंकि रोड ऑलमोस्ट खाली है और काफ़ी अच्छी रोड है भाई, काफ़ी अच्छी रोड है। स्टेट हाईवे 200 है और स्पीड देख लो 60, 65, 70 इतना है, बीच बीच में 75 टच कर रहा हूँ। तो भाई इसकी ना ब्रेक थोड़ी लूज हो गई है, टाइट करना पड़ेगा। सो ये भाई देख लो ये मेरी पंचर किट, उसमें से ये मुझको चाहिए था तभी ब्रेक अच्छे से टाइट हो पाएगी। 1 या 2 पॉइंट टाइट करेंगे ज़्यादा नहीं। ये देखो भाई ये जो है ये विंड टरबाइन है जो कि विंड की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। भाई यहाँ के बंदों के तो मज़े हैं, बीच साइड पे ही वॉलीबॉल का पूरा नेट वगैरह लगा रखा है और मस्त यहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं भाई। फुल मज़े हैं भाई इनके, फुल मज़े, अल्टीमेट व्यू है भाई, मज़ा आ गया। अभी तो हम जा रहे हैं उसी पाम्बन ब्रिज पे, ये देखो सामने आपके ब्रिज दिख रहा है। ओह माय गॉड My God, literally man, I'm so blessed यार, so blessed। नीचे की तरफ आपका रेलवे ट्रैक है, उधर पता नहीं क्या बन रहा है और ये रहा वो ब्रिज भाई। सीरियसली मैन बहुत प्यारा लग रहा है और साथ ही साथ सनसेट हो रहा है तो और अच्छा लग रहा है भाई। ये देखो भाई वो ये सारी बोट्स खड़ी हैं फिशरमैन की, इधर आपका सनसेट हो रहा है और ये देखो भाई ये आपका इधर पूरा बे ऑफ बंगाल। हवा तो बहुत तेज़ चल रही है भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं 30, 35 या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इस ब्रिज को 14 साल लगे हैं भाई बनने में, 14 साल। ये देखो ये सनसेट हो रहा है, क्या सही लग रहा है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल अब क्योंकि 5 बजे बंद हो गया है, हम 5 बजे के बाद आ रहे हैं, कोई नहीं कभी और देख लेंगे। हाय क्यूटी आजा आजा कम हियर आजा नीचे ये देखो भाई ट्रस्ट बना, ये अंकल आके दे दिए ऊपर के लो तुम्हारे गाड़ी के नीचे। हाँ इसको ले जाऊं? अरे नहीं अरे अंकल कह रहे इसको ले जाओ बैग में रख के। आए क्यूटी आ जाओ इधर लाओ ले जाओ अन्ना हाँ बैग में। अरे बैग में अंकल कह रहे बैग में भर लो। बैग में कहाँ आएगी? चलो जाओ बाय बाय बाय। ओके अन्ना भाई ये देखो ये जो छोटा सा वाइट दिख रहा है ना फुल मून है भाई। आज कहीं पे कैंपिंग करने में मज़ा आ जाएगा भाई। अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है रामेश्वरम टेम्पल, जस्ट बगल ही में है इसके लाइक ऐसे राइट साइड में। ये देखो भाई अब देखो रामेश्वरम टेम्पल के लिए जाना है, अब देखो ट्रैफिक ऐसे ही मिलना है इसी तरीके से। चलो यार अब रामेश्वरम टेम्पल पहुँच के ही मिलते हैं आपसे। ये रहा भाई मेरे सामने रामेश्वरम टेम्पल, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखो भाई ये रहा। एक चीज़ है भाई रामेश्वरम में ना आपको हिंदी बोलते हुए लोग मिल जाएंगे भाई। यहाँ पे मोबाइल लॉकर वगैरह बने हुए हैं, इट मीन्स कि अंदर मोबाइल मुझे नहीं लगता कि अलाउ होगा। अब देखते हैं भाई, और बैग वगैरह भी है तो लॉकर नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, या तो बैग लेके जाने दें तो समझ में भी आए। सो हे दोस्तों अभी मैं अपने टेंट के ठीक सामने बैठा हुआ हूँ और मेरे पीछे एक चर्च है, चर्च के सामने ही मैंने टेंट लगाया हुआ है। ये एक बीच है ओइलाकाडू बीच के ठीक बगल में ही एक फिशिंग एरिया है, सो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिला तो मैंने वहाँ पे टेंट अपना पिच कर लिया है। टेंट दिखाता हूँ आपको, ये अपना टेंट लगाया है और ये है वो चर्च और वो अपनी गौतम उधर खड़ी है। सो अभी भाई 12:18 है और मैं सुबह 5 बजे अपना टेंट वेंट सब रेडी करके निकल जाऊंगा रामेश्वरम टेंपल के लिए। अब मैं भी हो सकता है सुबह थोड़ी कम भीड़ हो क्योंकि बहुत सारे आलसी लोग हैं ना तो शायद नहीं उठेंगे, तो उसी टाइम पे मैं बाजी मार जाऊंगा। और धीरे धीरे मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आसपास कुत्ते सुन लेंगे ना भौंकना शुरू कर देंगे।